सकते ना। और जो हैकर बोलते हो तो कंप्लीटली जी घर से। अच्छा अरे मैं तुमको एक क्लियर बात बताऊं, लैन इवेंट जो होता है उसमें तो भाई अच्छे अच्छे प्लेयर पैनिक कर देते हैं, और जी वाले बहुत न्यू कमर्स है। सबसे जो अभी लेटेस्ट टीम जो T1 में आई है और जो एक अच्छे और कैंडर है वो जी च है, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं उतना लैन वगैरह का, भी छोड़ो उनका T1 का ही प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं उनका, तो भाई उनका लैन में चोक करना कहीं ना कहीं से एक्सपेक्टेड था सबका लिया ना, तो भाई उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था उस वजह से उनका लैन खराब गया। बाकी अगर तुम लैन का छोड़ के देखो तो जी भी एक अच्छी टीम है भाई, मतलब बहुत अच्छा फिनिशर्स है उनका, पोडियम फिनिशर्स हर टूर्नामेंट में, तो तुम एक लैन के बेसिस में उनकी टीम को जज नहीं कर सकते ना। और जो हैकर बोलते हो तो कम्प्लीटली बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि मैं भी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का ही प्लेयर था, मेरे को पता है उधर कैसा सीन रहता है, कितनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई तुम हैकर हैकर अलग ही लगा रखा है तुमने। उन लोग ने भाई गोप्रो लगा दिया, पता नहीं क्या ऐसे लगा दिया सर पे, और उससे वो खेल रहे हैं वो लोग थग इन्विटेशनल, उसका सारों का हैंड कैम POV वगैरह भी डाल दिया ना, देखो तो सही। लैन में भी बाय द वे इतना खराब नहीं खेला उन्होंने, पता नहीं लैन में आई थिंक चलो खराब ही था एक तरीके से परफॉर्मेंस उनका, पर एक टूर्नामेंट के बेसिस में तुम पूरी टीम थोड़ी ना जज कर सकते हो। अब TSM इसमें क्वालिफाई नहीं हुई तो तुम कह दो कि TSM बेकार टीम है, सेंस ही नहीं बनता ना उस चीज़ का।